हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पॉइजन ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस, बायोजेनेसिस, कैटास्ट्रोफिज्म। आज के हम करेंगे थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन और मॉडर्न थ्योरी ऑफ न्यूरल स्टैटिक थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल ओरिजिन, थ्योरी ऑफ इंटरनेटिंग ऑफ द लाइफ। इसके अंदर क्या कहा गया है कि तीन थ्योरी है, तो इसमें मेन थ्योरी क्या है, इसमें एक्सोबायोलॉजी से बिलोंग करती है। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी मतलब क्या है, वो उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो एनवायरनमेंट के बाहर, मतलब अपनी अर्थ से बाहर यूनिवर्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइफ एग्जिस्टिंग होती है, उनके बारे में स्टडी करना। तो इसमें कहा कि जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है अर्थ के ऊपर, वो कहीं दूसरे प्लैनेट से ट्रैवल होके आई है, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ इन्होंने ये बता दिया कि अर्थ पर लाइफ पहले नहीं थी, बाहर से हमने उधार ली है, उसकी वजह से बाहर से लाइफ आने से हम बने हैं। ठीक है, अब उसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इसमें कॉस्मिक थ्योरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ एनस्पर्मिया, मेटोराइटिक थ्योरी। ठीक है, थ्री थ्योरी है, तीनों किस पर डिपेंड है, यूनिवर्स पर डिपेंड है, मतलब जो मेट्रोइड्स होते हैं, कॉस्मिक डस्ट होती है, उनसे बाहर से उनकी हेल्प से माइक्रो, मतलब कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आए और जो बाद में इवोल्यूशन होके मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो फर्स्ट ऑफ कॉस्मिक कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंदर रिचर्ड पेयर ने बताया था, क्या बताया था कि जो कॉस्मिक डस्ट है और मेट्रोइड्स हैं जो ट्रैवल करके यूनिवर्स से कहीं आके स्ट्राइक कर गए अर्थ के एटमोसफेयर पर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उनके अंदर जो लाइफ एग्जिस्टिंग थी उनसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, लेकिन वो कहाँ की है, एक्सोबायोलॉजी, बाहर की बायोलॉजी, बाहर से बिलोंग करती है वो। ठीक है, यूनिवर्स से। फिर थ्योरी पेंसिलवेनिया क्या कहा कि इसके अंदर स्पोर्स ऑफ लाइफ, स्पोर ऑफ लाइफ बोला है इसने, मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुई है स्पोर से, एर्नियस ने बताया था इसको, स्पोर से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और स्पोर कहाँ से ट्रैवल करके आए, ठीक है, कहाँ से ट्रैवल करके आए, ये भी यूनिवर्स से, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ मेट्रोइड्स। ठीक है, इसने दो स्पोर बताए थे, कौन से बताए थे, पॉन्सपर्म्स एंड गैम्यूल्स, पॉन्सपर्म्स एंड गैम्यूल्स। ठीक है, ये जो स्पोर्स है ये बाहर से ट्रैवल होके आए और ये ट्रैवल होने के बाद इन्होंने लाइफ ओरिजिनेट फॉर्मेशन की। फिर मेटोराइटिक थ्योरी किसने, जो हेल्महोल्ट्ज़ ने दी थी, इसने क्या किया कि जो थ्योरी आई है ये किससे, टोटली मतलब वो किसी पे बेस नहीं कर, टोटली मेट्रोइड्स की वजह से है, लाइफ और अर्थ के ओरिजिनेट होती नहीं, दूसरे प्लैनेट से ट्रैवल करके आए हैं और उन्हीं की हेल्प के वजह से क्या फॉर्मेशन है, लाइफ ओरिजिनेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी, मतलब जो पोस्टुलेट्स थे, कमियाँ थी, वो क्या कमियाँ थी, देखो सीधी सी बात ये, यूनिवर्स से कोई चीज़ आ रही है तो यूनिवर्स में के अंदर अगर एटमोसफेयर देखा जाए तो काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, लो टेम्परेचर होता है, यूवी रेज वहाँ पे होते हैं, कॉस्मिक रेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्टिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ है भी और डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, तो इतनी हार्श एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैवल करके आई तो लाइफ वहाँ पे बचेगी कहाँ पे, लाइफ एक्चुअली में वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, तो डिस्ट्रॉय होने के बाद अर्थ के ऊपर कैसे पहुँच गई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इन्होंने कि यूनिवर्स का जो एटमोसफेयर है काफ़ी ख़राब है, फिर लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हो गई भाई। ठीक है, इसकी कमियाँ थी। नेक्स्ट थ्योरी आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ न्यूरोस्टैटिक थ्योरी, जो ऑपरेन और हार्डन ने दी थी। ठीक है, एआई ऑपरेन, जेबीएस हार्डन। ठीक है, इसे ऑपरेन और हार्डन थ्योरी भी बोलते हैं, इसे एबायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, एबायोजेनेसिस थ्योरी, और इसे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने इसमें, मॉडर्न थ्योरी ऑफ न्यूरोस्टैटिक थ्योरी, ये दो नाम हो गए, एबायोजेनेसिस थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ऑपरेन हार्लेन थ्योरी, ये सारे इसके नाम हैं। ऑपरेन और हार्लेन ने इसको प्रूव किया था, जैसे एआई ऑपरेन रशियन साइंटिस्ट थे, जेबीएस हार्लेन अमेरिकन साइंटिस्ट, इंग्लैंड साइंटिस्ट थे, मैं श्योर नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनका ये है कि बाद में इनका जो बाद के उस पर मतलब टाइम चला, वो इंडिया के अंदर चला था, उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, तो भुवनेश्वर के अंदर मतलब रहे थे। तो ये हो गए हमारे मतलब साइंटिस्ट जेबीएस ओपेन हॉलन, इन्होंने क्या बताया, जो बताया वो इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है। इन्होंने रियल में जो लाइफ ओरिजिनेट हुई केमिकल इवोल्यूशन के कारण हुई, इन्होंने बताया। ठीक है,
अब इनकी जो थ्योरी आती है उसके हिसाब से, ओपन वाले थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई लाइफ ओरिजिनेट हुई है तो केमिकल इवोल्यूशन से हुई है, किसी सुपरनेचुरल पावर से नहीं हुई, किसी बायोजेनेसिस से नहीं हुई, किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं हुई, किसी कॉस्मिक से हुई नहीं हुई, ठीक है। लाइफ किससे हुई? केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने प्रूव भी किया था काफ़ी एक्सपेरिमेंट। तो ओपन हार्डन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर केवल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ओपन हार्डन थ्योरी पर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अर्थ का जो प्रिमिटिव टेम्परेचर की हम बात करते हैं वो 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इतना हाई टेम्परेचर था वहाँ पे, ठीक है, अर्थ के ऊपर। मोस्टली 90% हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, ठीक है। अब्सेंट क्या चीज़ था? अब्सेंट क्या था? ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखो फ्री मॉलिक्यूल ये नहीं कह सकते ऑक्सीजन अब्सेंट थी, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। कुछ कंपाउंड है हमारे पास जो कौन से थे, CH मीथेन प्रेजेंट था, NH3 प्रेजेंट थी, ठीक है, H2O वेपर प्रेजेंट है, H2O वेपर, ये बात ध्यान देनी है यहाँ पे, H2O वेपराइजेशन के फॉर्म में था, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी और CO2 प्रेजेंट, और इन्हीं से जो लाइफ ओरिजिनेट हुई हमारी, ठीक है। मतलब इनसे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई भाई, कैसे बता सकते हैं? तो इसके अलग अलग थ्योरी के हिसाब से हम चलते हैं। तो अगर स्टार्टिंग के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग के जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास क्या थे? फ्री एटम। तो फ्री एटम के अंदर आप याद कर लो HCNO, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, चार चीज़ थी। इनसे इवोल्यूशन होके क्या बने हमारे? सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड बने। सिंपल कंपाउंड कौन से बने हमारे? H2, H2O और NH3, ठीक है। फिर क्या हुआ? अर्ली कंपाउंड हमारे क्या बने? अर्ली कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अर्ली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कौन बने हमारे? CH4 और HCN हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो और बात करते हैं तो फ्री एटम हो गए, अर्ली कंपाउंड हो गए, इसके बाद क्या आते हैं? सिंपल कंपाउंड, ठीक है। और जो सिंपल कंपाउंड हमारे थे, सिंपल कंपाउंड के अंदर मतलब क्या क्या प्रेजेंस हो सकता है? शुगर हो सकता है, बिल्कुल शुगर होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा? ग्लिसरॉल होगा, क्या चीज़? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, ठीक है, मतलब फैट्स होंगे, और प्यूरिन एंड पायरामिड्स, प्यूरिन एंड पायरामिड्स, ये हमारे पास हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड सिंपल। अब सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स की बात आएगी, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास क्या फॉर्म से ऐसे ही इवोल्यूशन चल रहा है, और इसके बाद क्या डेवलप हुआ, इसके बाद क्या डेवलप है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन से आ गए? फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, पॉलीसेक्राइड्स आ गए, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स के बाद अगर बात करते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड्स आ गए मतलब न्यूक्लिक एसिड आ गए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड ही लिख रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब क्या? हमारे पास न्यूक्लियर प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर हमारे क्या होते हैं? कोकरवेट्स। ये बात ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग का जो हमारा कंपाउंड मतलब एग्जिटिंग के अंदर आता है, इवोल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, बिफोर वायरस, तो हमारे क्या है? कोकरवेट्स हैं जो हमारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन कोकरवेट्स। अब इनके बाद क्या फॉर्मेशन? इनके बाद बना हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बनी हमारी। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या बना, कैसे नेचर था? ऑटोट्रॉफिक, पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल बनी, जैसे वायरस हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब इनके बाद जो ओरिजिन होगा वो किसका होगा? अब प्रोकैरियोट्स के बाद मतलब क्या बनेंगे हमारे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सिंपल बनेंगे प्रोकैरियोट्स वाले, ठीक है। तो कैसे होंगे? किमोट्रोपिज्म, ठीक है, मतलब जो केमिकल सिंथेसिस, केमिकल से फूड गेन करते हो,
इसके बाद क्या बनेंगे हमारे, फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस फोटोट्रॉपिक की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फोटोट्रॉपिक के अंदर क्या आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। देखो फोटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, मतलब एस टू जहाँ परसेंट थी, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेवलप मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ऑन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया, मतलब हमारा क्या बना, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन होगा तो इससे साथ साथ ऑर्गेनिज्म बनेंगे और हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल बनने के बाद तब हम बन ही जाएंगे ना, ठीक है, वो सारा रिवोल्यूशन आ जाता है। तो ये था ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा, ऑपरेन और हार्लिन के द्वारा। ठीक है, और इसमें सारी बात ये है कि जो स्टार्टिंग का सिंपल मॉलिक्यूल है उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, किसी सुपर नेचुरल पावर से नहीं या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं। ठीक है, और इसको फुल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट में करते हैं। ओपरेन और हार्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से।